अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ मुफ्ती अनवर सफी साहब का वीडियो, नमाज पढ़ने का तरीका। इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि नमाज कैसी पढ़नी चाहिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मर्द हज़रात की नमाज़ का प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे, किस तरीके से नमाज़ पढ़ना है, नियत आप कैसे करेंगे, किरत कैसे करेंगे, रुकू सजदा कैसे करेंगे, कौन कौन सी सूरतें पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मर्द हज़रात की नमाज़ का प्रैक्टिकल तरीका भी आप बताएँ, तो इंशाअल्लाह ताला पूरा तरीका आप इस वीडियो में समाअत करेंगे। हमारे साथ एक इस्लामी भाई हैं, इनके ज़रिए हम आपको पूरा नमाज का तरीक़ा बताएंगे, कैसे नमाज़ पढ़ना है। तो नमाज़ पढ़ने से पहले हमें नमाज़ की नियत करना है, क्योंकि नियत के बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती है। और नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। जो भी नमाज़ आप पढ़ने जा रहे हैं उसका दिल में पक्का इरादा होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो फजर की नमाज़ का दिल में पक्का इरादा होना ज़रूरी है। और ज़बान से जो हम नियत करते हैं ये मुस्तहब है। और ज़बान से किस तरीके से नियत करना चाहिए उसका तरीक़ा भी हम आपको बता देते हैं। मिसाल के तौर पर आप फजर की 2 रकत नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी नियत इस तरीके से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकत नमाज़ फ़जर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के मुहमेरा काबे शरीफ की तरफ। तो आप नियत करके बताएं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज़े फ़जर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। नियत बांधने के बाद आपको दोनों हाथ कानों तक ले जाना है, कानों की लौ तक। और ये जो हाथ हैं, हमारी जो उंगलियां हैं, ना बहुत सटी हुई रहें और ना बहुत फैली हुई, अपनी हालत पर छोड़ देना है और कानों की लौ तक ले जाना है। अब देखिए किस तरीके से आप उठाएंगे। अल्लाहु अकबर। और जो आप बांधेंगे, आप देख सकते हैं नाफ के नीचे बांधना है दोनों हाथ, और पहले आपको बायां हाथ रखना है, उसके बाद दायां हाथ रखना है, और दायां हाथ की जो उंगली है और अंगूठा है इससे आपको पकड़ना है कलाई। 3 उंगली आपकी कलाई के ऊपर रहना चाहिए। तो चलिए अब आपको नियत करके ये बताएंगे किस तरीके से नियत बांधना है। अल्लाहु अकबर। आपके नीचे इन्होंने नियत बांधी है, ये अंगूठा है और ये उंगली है, इससे पकड़ा हुआ है कलाई को, और 3 उंगली ये कलाई के ऊपर है। तो ये है सही तरीका नियत बांधने का, सुन्नत तरीका। बहुत से लोग पेट पर बांध लेते हैं, कुछ लोग सीने पर बांधते हैं, तो ये सुन्नत तरीका नियत बांधने का नहीं है। सुन्नत तरीका क्या है? नाफ के नीचे आप बांधेंगे और पहले बायां हाथ रखेंगे, उसके बाद दायां हाथ, और 3 उंगली आपकी कलाई के ऊपर होना चाहिए। तो ये नियत बांधने का बिल्कुल सुन्नत तरीका है, इसी तरीके से नियत बांधना है। नियत बांधने के बाद सबसे पहले सना पढ़ना है, सुबहानकल्लाहुम्मा। आप सना पढ़ करके सुनाइए। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। सना पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है सूरह फातिहा से पहले। आप दोनों पढ़कर सुना दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। उसके बाद सूरह फातिहा यानी अलहमद शरीफ मुकम्मल पढ़ना है। आप सूरह फातिहा पढ़कर सुनाइए। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। الحمد الشريف माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ी हमारे भाई ने। उसके बाद आपको कोई एक सूरत मिलाना है, जो भी आपको सूरत सबसे अच्छी याद हो। आप कोई एक सूरत पढ़ करके सुनाएं। بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا। तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, अल्हम्दुशरीफ पढ़ने के बाद हमने सूरत भी मिला ली, किरत कर ली,
अब किरत करने के बाद रुकू में जाना है। रुकू में जाने का तरीक़ा क्या होगा? अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे और सर और पीठ दोनों बराबर रखेंगे, अभी हम प्रैक्टिकल बताएंगे, और दोनों घुटनों पर दोनों हाथ रख लेंगे, मजबूती के साथ पकड़ लेंगे। अल्लाह अकबर, ये देखिए पीठ और सर दोनों बराबर हैं। पीठ बहुत ज़्यादा उठी हुई ना हो और ना बहुत ज़्यादा झुकी हो, बल्कि पीठ और सर दोनों बराबर रहना चाहिए। इस तरीके से कि अगर हम पीठ पर कोई गिलास वगैरह रख दें तो वो गिरे नहीं। अब रुकू में तीन बार तस्बीह भी पढ़ना है, आप रुकू की तस्बीह पढ़कर सुनाइए। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। और रुकू में जो घुटने पर हाथ रखेंगे, ये देखिए हाथ बिल्कुल मजबूती से पकड़ना है घुटने को, और घुटने बिल्कुल सीधे होना चाहिए। बहुत से लोग यह निकाल लेते हैं ऐसे करके, नहीं, बल्कि घुटने आपके सीधे हो और दोनों हाथों से उंगली फैला करके घुटने को पकड़ लेना है। क़याम में निगाह सजदे की जगह पर होगी और रुकू में पैरों पर होगी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रुकू है। और नमाज में जो फासला रहेगा दोनों कदमों के दरमियान चार उंगल का, ये आप देख सकते हैं परफेक्ट रुकू है। थोड़ा सा आप इधर से भी दिखा दीजिए, देखिए ये परफेक्ट रुकू है। इसी तरीके से रुकू करना चाहिए। अब रुकू से सर उठाना है, उसका तरीका क्या होगा? समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाना। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द। अब रुकू से सर उठाने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। सजदे में जाने का तरीका क्या होगा? पहले दोनों घुटने आप ज़मीन पर रखेंगे, उसके बाद दोनों हाथ रखेंगे, उसके बाद नाक रखेंगे, उसके बाद पेशानी रखेंगे। अल्लाहु अकबर। सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जाती है, आप तस्बीह पढ़िए। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। आप देखिए ये सजदा किस तरीके से इन्होंने किया है। दोनों हाथ के बीच में सर को रखना है और जो हाथ की उंगली है ये फैली हुई ना हो, बल्कि आपको मिला करके रखना है। पहले इन्होंने घुटना रखा, उसके बाद दोनों हाथ रखा, उसके बाद नाक रखी, उसके बाद पेशानी। और थोड़ा सा बैक आ जाइए आप ज़रा। सजदे में जो दोनों पांव रखे जाएंगे तो 10 उंगलियों का रुख क़िबला की तरफ होना ये सुन्नत है। 3-3 उंगली का पेट लगना ये वाजिब है और कम से कम एक उंगली का पेट लगना ये फ़र्ज़ है। तो ये होता है मुकम्मल पैर रखने का तरीक़ा सजदे की हालत में। बहुत से लोगों को देखा जाता है बस उंगली टेक देते हैं तो उनका सजदा सही नहीं हो पाता है, बल्कि इस तरीके से आपको सजदे में दोनों पैर रखना है। अल्लाहु अकबर। अब जो दूसरे सजदा करेंगे हम, उससे पहले ये जो हालत होती कैफियत होती है इसको बोलते हैं जलसा। तो जलसे में कम से कम एक बार सुभान अल्लाह कहने की मकदार हमें ठहरना है, पीठ सीधी हो जाए, इसको बोलते हैं तादील अरकान। बहुत से लोग सजदा किया फौरन सजदे में चले आते हैं तो उससे नमाज दुरुस्त नहीं होती है। दूसरा सजदा कीजिए। अल्लाहु अकबर। तस्बीह पढ़िए। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। उठाइए। अकबर। एक चीज़ आप और याद रखें, अभी तो हमने यहाँ पर एक रकत बताई है, जब आप सजदे से खड़े होंगे दूसरे रकत के लिए तो उसमें सबसे पहले आपको पेशानी उठाना है, फिर नाक उठाना है, फिर दोनों हाथ उठाना है, उसके बाद दोनों घुटने उठाना है और पंजों के बल खड़े हो जाना है। अब हम यहाँ पर कायदा करने का तरीका आपको बताएंगे, कायदे में क्या क्या पढ़ा जाएगा, उसमें बैठने का तरीका क्या होगा। तो बैठने का तरीका आप देख सकते हैं, दोनों हाथ दोनों रानों पर हैं, उंगलियां फैली हुई नहीं हैं और निगाह जो है गोद में होना चाहिए। और आप थोड़ा सा बैक आ जाइए पीछे। और कायदे में जो बैठने का तरीका है, बायां पैर आप बिछा देंगे, उसके ऊपर आप सुनन रख लेंगे और दायां पैर खड़ा करके उसकी उंगलियां मोड़कर क़िबला की तरफ कर देंगे। आप यहां पर देख सकते हैं इसी तरीके से कायदे में मर्द हजरात को बैठना चाहिए। कायदे में बैठने के बाद सबसे पहले अत्तहियात पढ़ना है, आप अत्तहियात पढ़कर सुनाइए।
التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. التحيات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعا معصورہ پڑھی جاتی ہے. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. دعا معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا ہے. पहले दाएं तरफ सलाम फेरेंगे, फिर बाएं तरफ. जब दाएं तरफ सलाम फेरेंगे अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फरिश्तों की नियत करेंगे, बाएं तरफ सलाम फेरेंगे तब भी फरिश्तों की नियत करना है. सलाम फेरेंगे तो दाएं मुड्डे पर हो, और बाएं तरफ जब सलाम फेरेंगे तो बाएं मुड्डे पर हमारी नज़र होना चाहिए. सलाम फेरिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. यहाँ पर हमारी नमाज कंप्लीट हो चुकी है. अब कोई मुख्तसर दुआ आप पढ़कर सुना दीजिए. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول. तो दोस्तों देखा आपने, मुफ्ती साहब ने कितने बेहतरीन अंदाज से हमें समझाया है नमाज पढ़ने का तरीका. तो हमें इस तरीके से अपनी नमाज अदा करनी चाहिए. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में.